हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ आलू और मंगोड़ी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। जब आपके पास कभी हरी सब्जी ना हो तो इसे आप फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच के लगभग ऑयल। यहाँ मैंने सरसों तेल का यूज़ किया है, आप यहाँ पर कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मंगोड़ी, और इसे हम लो फ्लेम पे भून लेंगे। गैस की फ्लेम को आपको यहाँ पे बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि जो मंगोड़ी होते हैं बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, 1 से 2 मिनट में फ्राई हो जाएगी। तो इसे हम अब निकाल लेंगे। इसका देखिए कलर चेंज हो गया, तो इस स्टेज पे आपको इसे निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये जल भी जाती है। देखिए इसका कलर सुनहरा सा हो गया है, तो इस स्टेज पर आपको निकाल देना है। अब हम सेम कढ़ाई में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। मैंने यहाँ भी सरसों तेल का ही यूज़ किया है। ऑयल को आपको यहाँ पर अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसमें डाल दीजिए जीरा, थोड़ा सा मेथी का दाना। अब इसमें डाल दीजिए 1/4 टीस्पून के लगभग हींग, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 बड़ी इलायची और 2 तेज़पत्ते। मैंने छोटी साइज के लिए, तो मैं यहाँ पे 2 तेज़पत्ते डाल रही हूँ। और इसको हम भून लेंगे तेल में। गैस की फ्लेम को आप लो ही रखें, ना तो ये जो मसाले हैं जल भी सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है हरी मिर्च, अदरक, 3 टमाटर छोटे साइज़ के हैं तो मैंने 3 लिया हुआ है। यहाँ पे आपको इसी साइज़ का टमाटर लेना है, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ का प्याज। मैं आपको साइज़ दिखा देती हूँ। और मैंने यहाँ पे ले लिया कुछ लहसुन की कलियाँ। तो हमारा जब ये जीरा अच्छे से भून जाएगा, तब आपको यहाँ पर डालना है अदरक, लहसुन और मिर्च के पेस्ट को बारीक पीस लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए, और इसमें यहाँ पर डाल दीजिए। गैस की फ्लेम को आप यहाँ पर लो रखें, और इसको आपको भून लेना है। तो देखिए जो हमारा अदरक का लहसुन है बहुत अच्छे से भून गया है, इसका कच्चापन भी खत्म हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पे आपको डाल देना है इसमें प्याज। तो मैं यहाँ पे प्याज की प्यूरी बना कर डाल रही हूँ, आप चाहें तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। प्याज को यहाँ पे आपको अच्छी तरह से भूनना है। गैस की फ्लेम को आप यहाँ पर मीडियम कर सकते हैं, और इसको आप कंटिन्यूस चलाते हुए इसको आप तब तक भून लीजिए जब तक कि प्याज अच्छे से पक ना जाए। तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया है और ये ड्राई भी हो गई है, यानी कि प्याज हमारा अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मैं यहाँ पे डाल दूँ 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/2 चम्मच के लगभग हल्दी का पाउडर। आप इसमें डाल दीजिए नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा भी आप नमक खाते हैं इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नमक ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डालूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अगर आपके पास तीखी वाली मिर्च है तो इसकी क्वांटिटी आप कम रखें, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा गर्म मसाला, और इन सबको आपको अच्छी तरह से भून लेना है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर आप लो रखें, इसको आप कंटिन्यू चलाते हुए भूनिए जब तक इसका सौंधी सी खुशबू ना आ जाए। तो देखिए जो हमारा मसाला है ना बहुत अच्छे से भून गया है, और उसका कलर भी बहुत प्यारा आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे टमाटर की प्यूरी बना ली है, ये 2 टमाटर की प्यूरी है। मैं 1 टमाटर की प्यूरी और डाल दूँगी। यहाँ पे 3 टमाटर की प्यूरी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और इसे हम भूनेंगे। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पर आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और इसको भी आपको तब तक भूनना है जब तक कि टमाटर ना है अच्छे से पक ना जाए। देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ गया है, तो इसको आपको कंटिन्यूस चलाते हुए भून लेना है। टमाटर भी बहुत अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो ये मीडियम साइज़ के 2 आलू है जिसको मैंने बॉईल कर लिया था और छोटे टुकड़ों में कट किया है। ऐसा आपको बॉईल आलू यहाँ पे डालना है। इसके साथ ही आप इसमें डाल दीजिए फ्राई किए हुए मंगोड़ी को, और इसको एक बार आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को लो ही रखें, और इसे अब हम ढक के पकाएँगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिए। तो सब्जी को एक बार आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ पे डाल लूँ पहले 1 गिलास पानी। पहले आप 1 गिलास ही डालें, फिर से एक बार मिक्स कर लीजिए। जैसे आपको थिकनेस पसंद हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे पानी डाल सकते हैं। तो ये मुझे अभी गाढ़ी लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा और पानी डालूँगी। अगर आपको रोटी के साथ खानी है तो आप यहाँ पर जो ग्रेवी है कम बना सकते हैं, यानी पानी की क्वांटिटी आप कम रख सकते हैं। अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हैं तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1.25 गिलास के लगभग पानी यहाँ पे डाल दिया है, और इसे हम ढक के पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। आप इसे लो फ्लेम पे पका लीजिए। तो इसे हम 3 मिनट के बाद इसे हम एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। हमारे यहाँ ग्रेवी बहुत पतली है, और इसे हमें थोड़ा देर और पकाना है। तो इसे हम ढक देंगे, और इसे हम पकाएँगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो इसे एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए। देखिए जो ऑयल है ना सब्जी के ऊपर बहुत अच्छे से आ गया है, और जो हमारी सब्जी है थिक हो गई है, और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। हाथों में क्रश करके आप इसे डाल दीजिए, इसे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया,
थोड़ा सा सौंफ का पाउडर अगर आपके पास है तो आप इस स्टेज पे थोड़ा सा डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप जो साबुत सौंफ होता है उसे भी आप जीरे के साथ तड़के में डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है, तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर रेसिपी आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।